मेरे अजीज अम्मतनो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज हमारे पास ऑडी A6 मौजूद है तजिए के लिए। इंस्टाग्राम का चैनल बैम व्हील्स के नाम से मौजूद है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में हम कौन सी गाड़ियों की तजियात लेकर आएंगे। उसके अलावा हमारे पास एक फेसबुक का कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे आपस में डिस्कशन और कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं। ऑडी A6 मर्सिडीज ई क्लास या BMW 5 सीरीज का इक्विवेलेंट है ऑडी के अंदर, और मैं आपको आज इस गाड़ी के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, उसके बाद हम इस गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव लेके चलेंगे देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। हम गाड़ी के सामने आते हैं तो इसकी जो लुक्स हैं सामने से मेरे हिसाब से इस वक्त जो आपकी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उनमें सबसे खूबसूरत गाड़ियों में एक गाड़ी ये है। यहाँ आपकी वही ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल है जो कि एक बड़ी ग्रिल है। बम्पर्स के अंदर जो इन्होंने कट्स वगैरह दिए हैं, गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लगती है। आपकी हेडलाइट के अंदर आपको LED लाइट्स मिलती हैं जिसके अंदर DRL और आपको सब मिलते हैं। फॉग लाइट्स आपके पास नहीं है लेकिन लुक गाड़ी की जो काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी के अंदर आपको ऑडी का 1800 cc 4 सिलेंडर TSFI टर्बो चार्ज्ड इंजन मिलता है। इसके साथ आपको एक 7 स्पीड ऑडी की स्पोर्ट्स ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है। इस गाड़ी की जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे जो एक देखने को मिलती है वो ये है कि आपके यहाँ पे 3 लॉक्स हैं जो कि आपके बोनेट को बंद करते हैं, 1, 2 और 3। तो दोनों साइडों में भी आपके लॉक्स हैं और बीच में जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है वो तो लॉक है ही। अब हम गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं तो आपके पास काफ़ी बैलेंस्ड क्रोम के साथ इसकी पूरी साइड प्रोफाइल है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा क्रोम आता है या आपके दरवाजों के शीशों के इर्द गिर्द एक क्रोम का पूरी लाइनिंग है। यहाँ पे गाड़ी में थोड़े से कर्व्स इन्होंने दिए हुए हैं, साइड स्कर्ट्स नीचे हैं ये भी कर्व के अंदर, या वो थोड़ा सा देने के लिए कर्व्स वगैरह जो आपको मिलते हैं बेसिकली आपकी गाड़ी के एरोडायनामिक्स और लुक्स को बेहतर बनाते हैं। 18 इंच के इसके अंदर आपके पास रिम्स आते हैं और इन रिम्स के साथ आपके पास 45 प्रोफाइल के टायर आते हैं। ये एक्सट्रीमली लो प्रोफाइल टायर है जो इस गाड़ी के अंदर आपको फैक्ट्री से मिलता है। ये आपकी इस गाड़ी की चाबी आ जाती है, इस पर लॉक अनलॉक और डिक्की खोलने के बटन हैं। यहाँ पर ऑडी का लोगो आ जाता है, पीछे ये बटन आप दबाते हैं तो यूँ आपके पास इसकी कन्वेंशनल की भी आ जाती है। जब गाड़ी के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके पास यहाँ पर ब्राउन, वुड और ग्रे 3 कलर्स में इसका पूरा इंटीरियर आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। यहाँ पे आपके पास इसकी डिक्की का सबसे पहले एक बटन ये वाला है, ये आपके पास इसकी डिक्की का बटन है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके मिरर कंट्रोलर्स हैं जिसको अगर आप यहाँ से बिल्कुल वापस की पोजीशन पे ले आएँ तो ये रिट्रैक्ट हो जाता है, अगर आप इसको वापस की पोजीशन पे ले आएँ तो रिट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप आ जाएँ तो आपके पास पावर विंडो के बटन और ये आपके दोनों चाइल्ड लॉक के बटन हैं। अगर आप पिछले दरवाजों में से कोई भी एक चाइल्ड लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। ये आपके गाड़ी के लॉक्स के बटन हैं, लॉक और अनलॉक के, और ये मेमोरी सीट्स के बटन आ जाते हैं आपके पास। यहाँ पर आपके पास आपकी लाइटों का कंट्रोल है, पावर्ड सीट्स आपके पास यहाँ पर कंट्रोल्स उसके आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर आपके पास एक 4 स्पोक का स्टेयरिंग व्हील है जो कि मल्टीमीडिया स्टेयरिंग व्हील है। वो गाड़ी स्टार्ट करके इसके सारे ऑप्शंस दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आते हैं। यहाँ पे आप इसके क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, ये आपके पास जो है इसका इंडिकेटर लाइट है, और यहाँ पे आपके पास इसके वाइपर्स के बटन्स हैं। अब गाड़ी को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर मेन्यूज़ में आपके पास सबसे पहले तो ये 3 ऑप्शन आते हैं। एक आपका डिजिटल वाला आता है जहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर आ रहा है, बीच में आप रेडियो का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका फ़ोन का ऑप्शन है अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो। अच्छा, यहाँ पे जो इसके अंदर आपके पास अगर देखें तो स्पीड के अलावा यहाँ पे आपके पास गाड़ी की डेट आ रही है, इंजन कितनी देर से आपका ऑन है, आपकी फ्यूल एवरेज क्या आ रही है इस वक्त की, रनिंग स्पीड एवरेज क्या है, डिस्टेंस आपने क्या कवर किया है। इसके अंदर आप अगर मज़ीद ऑप्शंस चाहें तो आप यहाँ पे इस बटन के साथ ये मज़ीद ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि आपको क्या देखना है। इसकी जगह ऑनबोर्ड कंप्यूटर देखना चाहते हैं, एफिशिएंसी प्रोग्राम, डिजिटल स्पीडोमीटर, रिड्यूस डिस्प्ले, जो भी आप देखना चाहते हैं हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम इसके ऊपर देखते हैं, इस तरफ अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर आपका नेविगेशन का बटन जो कि पाकिस्तान में नहीं काम करता है, ये आपका वॉइस कमांड का बटन है, वॉल्यूम कंट्रोलर, और ये बटन एक है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप इस पर ऑप्शन चाह रहे हों वो।
बीच में अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, गाड़ी का एक है, फिर आपके पास टेलीफोन का ऑप्शन है, मल्टीमीडिया, रेडियो और टोन। अगर हम इसमें गाड़ी वाले ऑप्शंस में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल पे इस वक्त सिलेक्टेड है। इसको अगर आप सेट इंडिविजुअल करें तो इंजन गेयरबॉक्स और आपकी स्टेयरिंग के दोनों ऑप्शन आते हैं, अब कम्फर्ट, डायनामिक या ऑटो। ऑटो पे अभी ये सिलेक्टेड है दोनों चीज़ें। कम्फर्ट मोड में आप चले जाते हैं तो आप बिल्कुल गाड़ी रिलैक्स उस पर चलेगी, और डायनामिक में चले जाएंगे तो बेसिकली इसका स्पोर्ट्स मोड है। ये आपके पास इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे फिर आप अगर यहाँ पे कार सिस्टम्स पे अगर चले जाएँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है व्हीकल सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। अब इस व्हीकल सेटिंग के अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो आपके पास स्टेयरिंग व्हील का जो बटन, जो मैं आपको दिखा रहा था कि जिस बटन को आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी सीट्स कि आपको किस तरह से अपनी सीट, ड्राइवर की सीट किस तरह रखनी है, रिमोट कंट्रोल के साथ कुछ उसको कोई स्पेसिफिक सेटिंग पे ले जाना है। रेयर सीट्स आपकी जो है पैसेंजर साइड की, उसके हिसाब से अगर आपको कुछ सेट करना है। बेसिकली रेयर सीट का जो ये ऑप्शन है, दिस इज़ के अगर ये वाली जो आपकी सीट है अगली, ये पैसेंजर साइड वाली, इसकी कोई अगर आप सेटिंग इस पर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइवर आप गाड़ी चला रहे हो और आप पीछे बैठ रहे हैं तो आप यहाँ से उसकी ऑलरेडी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम इसमें मज़ीद पीछे अंदर आते हैं तो एक्सटीरियर लाइटिंग आपकी गाड़ी की सिलेक्ट आप कर सकते हैं कि आपकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको चाहिए हैं, जब आप गाड़ी छोड़ रहे हैं तो उस वक्त गाड़ी की लाइट्स ऑन हों, आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तो लाइट्स ऑन हों, ड्राइव अगर आप राइड पर कर रहे हैं तो आपको किस तरह की लाइट चाहिए है। अच्छा, फिर आपकी बैकग्राउंड लाइट्स आ जाती हैं जो कि आपकी गाड़ी की इंटीरियर लाइट्स हैं। यहाँ पर आपको कोई 22 के करीब सेटिंग्स हैं कि आपको किस इंटेंसिटी पे ये लाइट चाहिए, मतलब एक इसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर कि आप इस चीज़ को भी इतना से माइन्यूट डिटेल पे सेट कर सकते हैं। फिर आपको सेंट्रल लॉकिंग के ऊपर अगर हम आ जाएं तो आपको ये है कि लॉन्ग प्रेस टू ओपन विंडोज़, जैसे गाड़ी का अगर अनलॉक का रिमोट पर बटन दबाते हैं तो आपको क्या फ्रंट विंडोज़ चाहिए हैं खुलें साथ में, अगर आप लॉन्ग प्रेस करें सनरूफ, रेयर विंडोज़ क्या आप खोलना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका अनलॉक ऑल डोर्स के, अगर आपका सिर्फ ड्राइवर का डोर रिमोट से अनलॉक हो या सारे डोर्स अनलॉक हो, डिक्की के बटन को अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं, मिरर ऑटोमेटिकली अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आप आएँ तो लॉक व्हेन ड्राइविंग, जब आप गाड़ी ड्राइव करें तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। ऑटोमेटिक रेयर ब्लाइंड, ये आपका जो इसका रेयर ब्लाइंड है यहाँ पे पीछे दिया हुआ, ये आपका ऑटोमेटिक है जिसका बटन यहाँ पे है इसके साथ, अगर यहाँ वाले बटन से, तो इसको आप बेसिकली चाहें तो आप इसको ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अप चाहिए है या डाउन चाहिए, तो ये इस वक्त इसका मैन्युअली अप सेलेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास इस पर आ जाता है ड्राइवर असिस्ट का बटन, जिसमें आपकी स्पीड वार्निंग, ये जैसे कि आप 0 से लेकर 240 किलोमीटर तक कोई स्पीड वार्निंग सेट करना चाहते हैं कि वो गाड़ी बीप करे, पार्किंग, आपको पार्किंग सेंसर्स की पार्किंग एड चाहिए है तो वो किस वॉल्यूम इंटेंसिटी पे आपको चाहिए, फ्रंट फ्रीक्वेंसी, रेयर फ्रीक्वेंसी, मतलब हद से ज़्यादा डिटेल हैं इसके अंदर आपके पास। फिर आपके पास रेस्ट रिकमेंडेशन की, आपकी गाड़ी सेंस करती है कि आप थक तो नहीं गए, तो अगर आपकी गाड़ी सेंस कर रही है कि आप थक रहे हैं तो आपको गाड़ी की तरफ से बीप करेगी कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, दिस बेसिकली कि अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए हों। फिर आपके एसी के कंट्रोल में आप आ जाते हैं तो आपका कैबिन की सेटिंग है पीछे की, क्योंकि इस गाड़ी में चारों एसीज के अलग-अलग चारों पैसेंजर्स के एसी टेम्परेचर सेलेक्ट होते हैं तो आपका ये आ जाता है। फुटवेल टेम्परेचर आप कैसे सेट करें, ऑटो सर्कुलेशन आप एसी की रखें, एसी का थ्रो आपको कैसा चाहिए, सॉफ्ट मीडियम या इंटेंसिव, तो ये सारी आपकी चीज़ें यहाँ से आप एसी की सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर सर्विसिंग एंड चेक्स पे बेसिकली आप अपने लॉग मेंटेन करेंगे आपने गाड़ी को प्रॉपरली, हर चीज़ इसकी सर्विस वगैरह हो रही है तो आप यहाँ से मेंटेन करें। अच्छा, ये स्क्रीन अगर आप ना देखना चाहें तो ये वाला बटन के साथ आप इसकी स्क्रीन को बंद भी कर सकते हैं, इस तरह से फोल्ड हो जाती है और यहाँ से वापस आ जाती है। यहाँ पे आपके पास इसका हैजर्ड्स का बटन आ जाता है, इधर आपके पास इसका मल्टीमीडिया का बटन है जिसको आप यूँ खोल के, आपका यहाँ पे आपके पास दोनों एसडी कार्ड्स हैं और ये आपकी सीडी की स्लॉट दी हुई है। यह पार्किंग सेंसर्स का बटन है, ये आपका पीछे का जैसे मैंने आपको दिखाया रेयर कर्टन का, और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। अच्छा, हम इधर आके अगर देखें तो यहाँ पे आपके अगले दोनों क्लाइमेट कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं, आपका एक ऑडी एस्ट्रॉनिक का गियर आ जाता है, ब्रेक होल्ड, आपके पार्किंग ब्रेक, ये 6 नंबर्स हैं। अगर आप रेडियो चैनल सेट करें, ये आपका इंजन का स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है यहाँ पे,
फिर ये आपके ऑडियो कंट्रोल्स आ गए, यहाँ पे आपका ये जो पूरा पैनल है दिस इज़ बेसिकली फॉर योर, जो मैं आपकी स्क्रीन अभी पूरी कंट्रोल कर रहा था वो यहाँ से कंट्रोल थी। ये आपका दो कप होल्डर्स इधर आ जाते हैं, ये आपकी आर्मरेस्ट है जिसको अगर आप यहाँ खोलें तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आप ये खोलते हैं तो आपका एक छोटा खाना है, आप यहाँ से खोलते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो USBs, ऑक्सिलरी और यहाँ पे बस 12 वॉट पावर सॉकेट का भी आ जाता है ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे आपका जो ग्लव्स कंपार्टमेंट है इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास अच्छा खासा एक ग्लव्स कंपार्टमेंट है, दो खाने यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरह से ऊपर आप आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये आपका सनवाइजर्स के अंदर लाइट्स हैं जो कि वैनिटी लाइट्स आप कहते हैं और वैनिटी मिरर हैं विद लाइट्स। यहाँ पे आपके पास ये लाइट्स के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं कि पीछे की अगर आप लाइटें ऑन करना चाहते हैं, अगली दरवाजे पे रखना चाहते हैं, ये पिछली आपकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ये आपकी अगली लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ये आपका जो है सनग्लासेस कॉल आता है और ये आपका जो बीच में सनरूफ का बटन है इस गाड़ी के अंदर आपका सनरूफ भी आता है। अब मैं इस गाड़ी के अंदर पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं पैसेंजर साइड के पीछे इसलिए बैठूँगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फन है वो यहाँ पर ही है। सो अगर मैं किसी ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ तो मेरे पास अगली सीट को मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे उस सीट को मैं जितना आगे लेके जाना चाहूँ ले जाऊँ, बिकॉज़ मैं सेठ साहब हूँ और मुझे जगह चाहिए तो मेरे पास ये ऑप्शन है। और मैं इसको पीछे भी अगर लेकर आना चाहूँ तो मैं यहीं से पीछे ला सकता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल है इस सीट को कंट्रोल करने का, अगर ड्राइवर मेरा गाड़ी चला रहा है मुझे पीछे ज़्यादा जगह चाहिए तो मैं इस सीट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेरे पास कर्टन्स हैं दोनों दरवाज़ों के अंदर, यहाँ पे मेरे पास एसी के वेंट्स हैं जो कि दोनों पिलर्स के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे भी मेरे पास एसी के वेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे पास क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन है, दोनों तरफ के इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, उसके नीचे मेरे पास लाइटर और 12 वॉट पावर सॉकेट है। एशट्रेज जो है वो मेरे यहाँ पे दरवाजे के अंदर हैं, दोनों दरवाज़ों के अंदर एशट्रेज मौजूद हैं। ये एक सेंटर आर्मरेस्ट है जो कि इसकी यूँ बाहर आ जाती है और इस आर्मरेस्ट के ऊपर आप अगर खोलें तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा कंसोल है कुछ रखने के लिए, ये आपके पास एक अदद इसके अंदर रिमोट कंट्रोल आ जाता है आपके मल्टीमीडिया जो आपका एंटरटेनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आप यहाँ से दबाते हैं तो दो कप होल्डर्स निकल आते हैं। अगर आप ड्राइवर के साथ घूम रहे हैं तो ये बेस्ट गाड़ी है आपके लिए घूमने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें नहीं है वो ये है कि इसके अंदर आपके पिछले जो दरवाजे लॉक हैं वो आपके इस गाड़ी के अंदर भी आप खुद से नहीं कर सकते हैं, लॉक सामने से ड्राइवर की तरफ से या अगले पैसेंजर की तरफ से हो सकते हैं। अनलॉक करने के लिए अलबत्ता आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे तो खुद ही अनलॉक हो जाएगा, तो अनलॉक आप यहाँ कर सकते हैं, लॉक करने के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत होगी। हम गाड़ी के पीछे आते हैं तो इसके अंदर आपका वो जो ऑडी की चेक लाइट वाली इंडिकेटर लाइट्स हैं जो कि मुझे सबसे सेक्सी चीज़ लगती है इस गाड़ी के बारे में, वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपका A6 का एम्बलम आता है, एक नीचे आपके पास क्रोम की पट्टी आती है, 35 TFSI आपका वहाँ पे एम्बलम आ जाता है, ऑडी का लोगो आ जाता है। ड्यूल एग्जॉस्ट है इस गाड़ी के अंदर और ज़्यादातर लग्जरी गाड़ियों में फेक ड्यूल एग्जॉस्ट होते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर भी वो जो ड्यूल एग्जॉस्ट है वो फेक है क्योंकि ड्यूल एग्जॉस्ट है लेकिन वो अंदर इतना बड़ा एग्जॉस्ट नहीं है, ये लुक्स के लिए लोग डाल देते हैं, थोड़ा सा टर्न ऑफ है। जो असल इसका एग्जॉस्ट है वो अंदर एक छोटा सा एग्जॉस्ट होता है। जब आप इस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं तो आप यहाँ से इसकी अगर डिक्की खोलें तो बहुत बड़े साइज़ की डिक्की है, मतलब आपकी आगे तक जाती है, काफ़ी बड़े साइज़ की डिक्की है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इसकी ऑडी की फर्स्ट एड किट आ जाती है। इस तरफ आप आ जाएं तो आपके पास ऑडी के अंदर साथ में यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज की जगह आ जाती है। आप इसको उठाएं यहाँ से तो आपके पास यहाँ पे स्पेयर व्हील है जो कि बहुत बड़े साइज़ का डोनट स्पेयर टायर है, जिसे रेगुलर स्पेयर व्हील नहीं है, डोनट स्पेयर व्हील है। इधर आप देखते हैं तो आपके पास जो रिफ्लेक्टर है, जैसे आपके पास ऑडी A3 में भी हमने आपको दिखाया था कि ये वाला रिफ्लेक्टर, वो इसके अंदर आपको मिलता है ट्राइंगल रिफ्लेक्टर जो कि मोस्ट ऑफ द जर्मन गाड़ियों में हमें मिलता है साथ में। जी, तो अब हम ये ऑडी A6 चला रहे हैं। ये गाड़ी निहायत ही क्विक गाड़ी है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन के अंदर एकदम से आपकी जो गाड़ी है वो स्पीड लेती है, आपको पता नहीं चलता। और क्विकनेस के अंदर ये गाड़ी स्मूथ भी बहुत है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप कोई गाड़ी तेज़ चला रहे हैं तो आपको बड़ा कोई वो तकलीफ दे मरहला है या गाड़ी कोई अनस्टेबल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी निहायत ही स्मूथ तरीके से एक्सेलरेट करती है। फिर अगर हम इस पर बात करते हैं हैंडलिंग की, तो इसकी हैंडलिंग जर्मन गाड़ियों की वैसे ही एक
काफ़ी मशहूर चीज़ है, काफ़ी एक फेमस फीचर है जर्मन गाड़ियों की हैंडलिंग, तो इस गाड़ी के अंदर भी कोई डिफरेंट नहीं है। इस वजह इस गाड़ी की जो कीमत है तकरीबन कुछ 94 लाख के करीब इसकी MSRP है, और जब आप इसमें बाकी चीज़ें मिलाते हैं तो कोई 25 करोड़ रुपये के करीब आपकी गाड़ी पड़ जाती है। अब जैसे आजकल की गाड़ियां हैं इनके अंदर आपकी जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं इंटरनेशनल, वो उन्हीं के अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड और सब कुछ मिल जाते हैं, तो वही गाड़ी आपकी लग्जरी भी होती है और वही गाड़ी आपकी एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स भी वही गाड़ी होती है। तो पहले ज़माने में जैसे स्पोर्ट्स गाड़ियाँ अलग होती थी, लग्जरी गाड़ियाँ अलग होती थी, अब उस तरह का कुछ नहीं है। अब आपकी हर गाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स और लग्जरी है। और फिर अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर, तो इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी महंगी है क्योंकि नई गाड़ी है, तो आप इसको ऑब्वियसली कंपनी पे ही भेजेंगे, और कंपनी पे अगर आप इसे छोटी से छोटी मेंटेनेंस भी भेजते हैं तो कोई 20,000 रुपये के करीब उसका खर्चा आ जाता है। फिर ये गाड़ी जितना तेज़ी से निकलती है, लाइक जो उसकी एक्सेलरेशन जितनी क्विक है, उतनी ही क्विकनेस के साथ ये गाड़ी रुकती भी है, तो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी और हैंडलिंग है वो काफ़ी मुनासिब है। ग्राउंड क्लियरेंस पे अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस गाड़ी की कोई आपको मायूस नहीं करती है, मतलब एक मुनासिब ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ, मतलब कोई आप इसको बहुत ज़्यादा शायद कोई खड्डे वड्डे वाली रोड्स हों तो उस पर प्रॉब्लम शायद करे, बट नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर आपको उसी ग्राउंड क्लियरेंस पे कोई ऐसे इशू फील नहीं होता है। तो ये हमारा तजिया था इस ऑडी A6 का, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।